दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट. तो इसको हम एंड करते हैं विद द टॉपिक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोबोरेन. तो हमने पिछली वीडियो में ये समझ लिया था कि कैसे ऑर्गेनोबोरेन प्रोड्यूस हो रहा है. तो आज हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनोबोरेन के साथ और कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं. सबसे पहले रिएक्शन जो है वो क्या है, वन इज़ द H2O2 ऑक्सीडेशन. सबसे पहला क्या है, H2O2 ऑक्सीडेशन. जब ऑर्गेनोबोरेन का ऑक्सीडेशन किया जाता है बाय एल्कलाइन H2O2 तो हमें वो एल्कोहल प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है हमको, एल्कोहल प्रोवाइड करता है. ऑल दो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इफ इन चांस आपको आ जाए पूछा जाए तो आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए अच्छी तरीके से. तो ऑर्गेनोबोरेन जो है जब H2O2 के संग रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एल्कोहल प्रोड्यूस करता है. और ये क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करके प्रोड्यूस करता है. एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे ग्रुप आएगा. ओके, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे क्या आएगा, ग्रुप आएगा. सो ये आपकी पहली रिएक्शन ऑर्गेनोबोरेन की जब H2O2 के संग रिएक्ट करता है तो क्या देता है हमको, एल्कोहल देता है ऑलवेज विद दी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. नाउ सेकेंड ऑर्गेनोबोरेन का रिएक्शन किसके संग हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के संग हो रहा है. तो यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के संग रिएक्शन हो रहा है. जब कार्बोक्सिलिक एसिड के संग रिएक्शन होगा तब वो एल्केन प्रोवाइड करेगा हमको. क्या प्रोवाइड करेगा, एल्केन. सो ध्यान में रखिएगा विद H2O2 एल्कोहल, विद COOH एल्केन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो नॉर्मल सा है, आप इसको बस एक बार पढ़ते जाइए और याद करते जाइए और एक जगह पर लिख लीजिए, सिंपल. नेक्स्ट ऑर्गेनोबोरेन का रिएक्शन क्रोमिक एसिड के संग, तो हमें क्या देगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब होता है, अकीटोन और एल्डिहाइड, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड हो जाते हैं. ठीक है, तो जब ऑर्गेनोबोरेन का रिएक्शन किसके संग हो रहा है, क्रोमिक एसिड के संग, तो वो क्या देगा, कार्बोनिल कंपाउंड देगा. नाउ द रिएक्शन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन विद द एल्काइल एल्कलाइन सिल्वर नाइट्रेट. तो जब सिल्वर नाइट्रेट के संग रिएक्शन होगा तब वो हमें क्या देगा, इट इंक्लूड्स अ कपलिंग रिएक्शन, हैंस प्रोवाइड द मैथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स. इट ऑल्सो गिव्स एल्केन बट नॉट अ सिंपल वन, एक कपलिंग रिएक्शन करके एल्केन्स हमें प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये तो आपकी थी क्या, ऑर्गेनोबोरेन की सारी रिएक्शंस. तो पहले हमने किससे रिएक्ट कराया, H2O2, हमें क्या मिला, एल्केन मिला, सॉरी एल्कोहल मिला. फिर हमने रिएक्शन कराया किससे, फिर हमने रिएक्शन कराया था मे बी COOH से, राइट. तो COOH से जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एल्केन. फिर हमने क्रोमिक एसिड से रिएक्शन कराया एंड देन हमको मिला एक कार्बोनिल कंपाउंड, एंड फिर हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराने पे हमको अगेन एल्केन मिला. आगे मूव करते हैं. अब आपने ओजोनोलाइसिस पढ़ी थी तो उसी से बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओजोनोलाइसिस जो है एक क्लीवेज रिएक्शन है जिसमें डबल बॉन्ड जो है कम्प्लीटली टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, किसमें, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स में. और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होती है ओजोनोलाइसिस. देखिए समझिए इसकी रिएक्शन, दिस इज एल्कीन. एल्कीन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, ओजोन से करा रहे हैं, राइट. तो एल्कीन का रिएक्शन जब ओजोन से करा रहे हैं तो यहाँ O3 है, एटलीस्ट दो ऑक्सीजन तो ज़रूर अटैच होंगे, ठीक है ना, अदर वन जो है वो H2O के फॉर्म में निकल जाएगा. तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा, अकीटोन और अल्डिहाइड, कुछ भी बना सकता है, राइट. और दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ मिलके क्या बना देगा, एनीथिंग, अकीटोन और कार्बो एल्डिहाइड. या तो कीटोन बन सकते हैं या तो फिर अल्डिहाइड बन सकता है, कुछ भी आपका फॉर्म हो सकता है. नाउ नेक्स्ट वन इज ओजोनोलाइसिस में दो स्टेप्स होते हैं. पहला एल्कीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय, या फिर एल्काइन का क्या हो रहा है, बाय ओजोनोलाइसिस ओजोनोइड मिल रहा है, ऑक्सीडेशन कह लो या फिर कह लो ओजोनोइड का रिडक्शन हो रहा है. सेकंड स्टेप क्या होता है कि उसका रिडक्शन हो रहा है विद द ZnNH+ ion, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. सबसे पहले तो ये समझिए आप ये क्लीवेज कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसको याद करना भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है. देखिए इधर, यहाँ पे जब आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक सेकेंड, जब आपका ये O3 मॉलिक्यूल इस पे जाके अटैच होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा के अटैच करना है, ऊपर एक और नीचे दो, ऑलवेज ऊपर एक और नीचे दो. अब जब भी ये अरेंजमेंट बन जाएगा तो इसको आप अटैच कर दीजिए, ऊपर एक तो ये ऐसे अटैच होगा और नीचे दो, तो इस तरीके से, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ ही रहेंगी. ओके, यस, तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया. तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, फिर ऊपर एक और नीचे दो, इधर ये वाला कार्बन है ये रहा, ठीक है ना, और इधर क्या है, ये वाला कार्बन है, और बाकी तो एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पर CH3 आएगा, CH3, ठीक है. तो
तो ये इस तरीके से बन गया। अब इसके बाद आपको ब्रेक कैसे करना है। अब तक आपको इतना समझ में आया, ऊपर एक लेना है और नीचे कितने लेने हैं, दो लेने हैं, उन सबको अटैच कर देना। अब इसके बाद आपको हमेशा इधर से तोड़ना है, कुछ इस तरीके से आपको तोड़ना होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। जब आपने पहला वाला तोड़ा, दोबारा बताती हूँ, जब आपने क्या तोड़ा, पहला वाला तोड़ा, इस तरीके से आपने तोड़ दिया पहला वाला, तो पहले वाले में क्या बचा, देखिए एक कार्बन, एक कार्बन, ये जो डॉट है ना, मैंने इसको कार्बन बना दिया। देन उसके साथ क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है, मैंने उसको डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन अटैच कर दिया। एंड देन उसके संग दो CH3 भी अटैच्ड है, एक CH3 इधर एंड अदर वन CH3 इधर, देखिए CH3 इधर बन गया। और ध्यान से देखिए कि क्या बन रहा है, क्या ये कीटोन है या एल्डिहाइड है, दिस इज कीटोन। क्यों यहाँ पर H नहीं आ रहा है, और मैं इसको इस तरीके से लिखूँ या फिर मैं इसको इस तरीके से बना के लिखूँ, बात तो एक ही है, इस वाले बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये बन तो एक ही रहा है ना, तो ये कीटोन बन गया पहला वाला पॉइंट आपका। तो पहला वाला ब्रेक करके आपने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया। अब जब आप दूसरा वाला ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, अब दूसरा वाला ब्रेकेज आपको इधर से करना होगा। अब दूसरा वाला ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा एक एल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक में एच तो रहेगा ही रहेगा, तो इधर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और इधर क्या बन जाएगा, कीटोन। हमेशा इस तरीके से ब्रेक करना, ठीक है ना, इसके अलावा और किसी को ब्रेक मत करना, वरना फिर प्रोडक्ट सही नहीं बनेंगे आपके। सबसे पहले रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ZN और H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, तो आप इस तरीके से ब्रेक करके एल्डिहाइड और कीटोन हमको मिल जाएगा। एंड देन अदर, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराएं रेदर देन रिडक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा हायर डिग्री वाले कार्बोकेटाइन वो मिलेंगे, हायर डिग्री वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे, दैट इज COOH एसिड एंड कीटोन, ठीक है। तो ये आपका था ओजोनोलाइसिस आप कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन, ध्यान रख लीजिए इसको कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको हमेशा से कहा है कि किधर से मूवमेंट होता है, जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, तो वहाँ से मूवमेंट क्रिएट होगा, या फिर जहाँ पर क्या हो, बॉन्ड हो। तो यहाँ पर बॉन्ड सिर्फ एक पे ही है, तो ये बॉन्ड किधर पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा ये बॉन्ड। किस वाले पर पहुँच जाएगा ये बॉन्ड, देखिए ज़रा ध्यान से, इस वाले पे पहुंच जाएगा, यहाँ ऊपर वाले पे पहुंच जाएगा ये बॉन्ड, ठीक है। तो जब इसने दान कर दिया, मतलब दे दिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और इसको मिलने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, इसके पास और दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट, और ये तो नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ रहा ही रहा। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, एक तो ये कंपाउंड आपका बन गया, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि ये जो है आपका इधर ना जाके इस वाले को मिल जाए, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर मैं आपको वैसे समझाऊं तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कि इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव हो जाए, और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो आप इसको क्या करिए, रेजोनेंस हाइब्रिड को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मूवमेंट किस तरीके से होता है, हम आगे वाले स्टेप पर पहुँचते हैं। लोग मॉलिक्यूलर वेट ओजोनॉइड आर हाईली एक्सप्लोसिव, तो जिनका जिन ओजोनॉइड्स का वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है वो ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, एंड देयर फॉर नॉट आइसोलेटेड। इंस्टेड ओजोनॉइड्स जो होते हैं वो फर्दर एसिड रिड्यूसिंग एजेंट के संग ट्रीट करने पर, या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ ट्रीट करने पर हम डिफरेंट कार्बोनल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो ऐसी ओवरऑल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ओजोनॉइड ओजोनोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, एल्कीन्स आर रीडली हाइड्रोक्सीलेटेड, इट मीन्स जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करते हैं तो वो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाते हैं, मीन्स ग्लाइकॉल, जिसमें दो OH बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, दो तरफ OH लग रहे हैं, तो उसको डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम, ग्लाइकॉल कहते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट होता है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एन एल्कीन टू डाईऑल, वो क्या होता है, कोल्ड एल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एन एल्कीन टू डाईऑल, एल्कीन को डाईऑल में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट, इट इज़ पोटेशियम पर मैग्नेट, जो हमेशा एल्कीन को डाईऑल में कन्वर्ट करने के लिए सूटेबल होता है, या फिर हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी ले सकते हैं। नाउ यील्ड विद दी KMnO4 इज़ क्वाइट लो, KMnO4 के संग थोड़ी यील्ड जो है हमें बहुत कम मिलती है, इसलिए हम ऑक्सियम टेट्रा ऑक्साइड भी आराम से ले सकते हैं, जिससे हमें यील्ड जो है वो ज़्यादा सी मिले और वो ज़्यादा टॉक्सिक भी ना हो, ठीक है ना। पर हम इसको लिमिटेड यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है और टॉक्सिक होता है ये। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हमेशा क्या देता है हमको, इपॉक्साइड देता है, क्या देता है हमको,
इपॉक्साइड, इपॉक्साइड का जो स्ट्रक्चर वो आपने दिमाग में बसा लीजिए, वरना आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। इपॉक्साइड का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है ना, इस तरफ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होता है। अब मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो इसमें और ओजोनाइसिस में क्या अंतर है, सिर्फ एक एक ऑक्सीजन का अंतर है, बस इसका अंतर है, राइट, बस इसी का तो अंतर है, वरना ये ओजोनाइड बन जाएगा। जब ये नहीं होता तो ये इपॉक्साइड होता है। तो जब आप एल्कीन का क्या करो, आप ऑक्सीडेशन करते हो, जब किसकी प्रेजेंस, किससे रिएक्ट करा के, पर बेंजोइक एसिड, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पर बेंजोइक एसिड, तो हमको इपॉक्साइड मिलता है और एक बेंजोइक एसिड मिलता है। इपॉक्साइड को आप ऑक्सीरीन भी कह सकते हो, ठीक है ना, तो अगर आपको इपॉक्साइड लिखा हुआ आ जाए, ऑक्सीरीन लिखा हुआ आ जाए, तो डोंट बी कन्फ्यूज। तो ये आपका था इपॉक्साइड एंड बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ना इपॉक्साइड जो होते हैं वो ईजिली डाई एल्कोहल्स में या ग्लाइकोल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। इस रिएक्शन में क्या होता है, डाईऑल्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं विद द ट्रांस एल्कोहल। मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ट्रांस और सिस एल्कोहल्स क्या होते हैं, वैसे तो ट्रांस एल्कोहल्स ही होते हैं जो ऊपर नीचे, जो सेम ग्रुप्स या ऊपर नीचे ऑपोजिट साइड्स में हो, तो उनको ट्रांस एल्कोहल्स या डाईऑल्स कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस एल्कोहल हो जाएगा। इपॉक्साइड ईजिली किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लाइकोल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद पर बेंजोइक एसिड, इट गिव्स इपॉक्साइड एंड व्हाट, बेंजोइक एसिड। सो विद दिस टॉपिक वी हैव एंडेड दिस यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।